यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा, विकास कार्यों के निरीक्षण पर निकले हैं यूडीएच मंत्री सुभाष। लाइब्रेरी से शुरू हुआ निरीक्षण कार्य, अदालत चौराहा, अंटाघर, अंडरपास, एरोड्रम, सर्किल, सिटी पार्क सहित आधा दर्जन कार्यों का जायजा लेने का कार्यक्रम है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे हुए हैं। कोटा उनका दौरा है और इस दौरान जो विकास कार्य हैं उनका वो निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार यूडीएच मंत्री एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और जो विकास कार्य हैं उनका निरीक्षण करने के लिए पहुँचते रहते हैं। और कोटा उनका दौरा जो गृह जिला है इसलिए भी विकास कार्य की निरीक्षण करने के लिए वो पहुँचते रहे हैं और आज फिर वो पहुँचे हैं। और इस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब सुभाष लाइब्रेरी से उन्होंने निरीक्षण का कार्य शुरू किया है, यानी अलग अलग जगह जाने का उनका कार्यक्रम, लेकिन अभी ये जो निरीक्षण है वो सुभाष लाइब्रेरी पर चल रहा है। और इस दौरान शायद ये अधिकारियों से भी बातचीत हो रही है, शायद कोई समस्या उसको लेकर भी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भंवर जुड़ गए हैं। भंवर, यहाँ पर शांति धारीवाल जी पहुँचे हुए हैं, बातचीत हो रही है, अधिकारियाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कोई बहस किसी तरह की बातचीत? देखिए, विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शहर में निकल गए हैं। उनके 5 दिवसीय कोटा दौरे का आज ये आप कह सकते हैं कि पहला दिन है। पहले दिन का शुरुआती पॉइंट जो है उनके निरीक्षण का, वो उनका शुरुआती पॉइंट सुभाष लाइब्रेरी है। और ये सुभाष लाइब्रेरी एक बड़ा पुस्तकालय बन रहा है कोटा के स्टेशन इलाके में धारीवाल। हालांकि आज आधा से एक दर्जन इन बड़े विकास कार्यों के प्रोजेक्ट का जायजा लेने वाले हैं, लेकिन खास बात यह है कि सुभाष लाइब्रेरी पर जो काम की गति थी प्रोजेक्ट की, उससे यूडीएच मंत्री बहुत नाराज हुए हैं। वहां जो ठेकेदार था उसको उन्होंने जवाब तलब किया, उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि कई बार ताकीद किए जाने के बावजूद भी यहां पर काम की गति नहीं बढ़ाई जा रही है और साथ में जो कंस्ट्रक्शन वर्क की जो क्वालिटी है वो भी अप टू मार्क क्यों नहीं है। बहुत से तर्क ठेकेदार की तरफ से दिए गए, लेकिन यूडीएच मंत्री ने उनको बहाना बता करके खारिज कर दिया। उन्होंने तुरंत यूआईटी कोटा के सेक्रेटरी राजेश जोशी को अपने पास बुलाया और कहा कि नोटिस इस ठेकेदार के खिलाफ तुरंत इशू किया जाए और साथ में इस पर जुर्माना भी ठोका जाए। फिलहाल उनका जो निरीक्षण का काम है वो अभी भी जारी है। खुद सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के भवानी सिंह देता उनके साथ है, आर्किटेक्टर अनूप परतरिया उनके साथ मौजूद है, यूआईटी के सचिव राजेश जोशी साथ में दौरे में मौजूद है, विशेष अधिकारी यूआईटी आरडी मीणा भी मौजूद है, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी साथ में है। और आज सुभाष लाइब्रेरी से शुरू करने के बाद राजकीय महाविद्यालय, अंटागर अंडरपास, सिटी पार्क, सिटी मॉल के सामने का एलिवेटेड रोड, इसके अलावा इंदिरा गांधी सर्किल, सूरज पॉल गेट, सालिम बाजार की हवेली, हाट बाजार, यानी एक दर्जन करीब करीब जो बड़े विकास के काम कोटा शहर में इस वक्त चल रहे हैं उनकी कार्य गति और गुणवत्ता यूडीएच मंत्री धारीवाल खुद मौके पर जाकर के देखने परखने वाले हैं। और जिस तरह से उन्होंने विजिट के पहले ही पॉइंट पर मेगा तेवर दिखाए हैं और जिस तरह से उन्होंने कड़ी फटकार ठेकेदार को लगाते हुए उस पर जुर्माना लगाने के निर्देश भी आज यूआईटी सचिव को दे दिए हैं, तो इस दौरे को देखते हुए चौतरफा जो विकास कार्य चल रहे हैं वहाँ के प्रोजेक्ट्स के जो ठेकेदार हैं उनमें हड़कंप के हालात हैं, क्योंकि धारीवाल की मॉनिटरिंग बहुत सख्त होती है। वो खुद पॉइंट जीरो पर पहुंचते हैं, मौके पर पहुंच करके रिव्यू करते हैं और एक से दूसरी विजिट के बीच में वो खुद ये देखते हैं कि इस विजिट के अंतराल में मैंने क्या टारगेट दिए थे, क्या कार्य लक्ष्य दिए थे और उनकी कार्य पूर्ति कितनी हुई है। तो बहरहाल उनका ये दौरा अभी भी जारी है, लेकिन दौरे के पहले ही पॉइंट पर मंत्री उखड़ गए हैं और काम की खासकर जो गति है उस पर उन्होंने ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई है। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी शांति धारीवाल की तारीफ की थी और कहा था कि मैं अगले टर्म में भी इन्हीं को बनाऊंगा यूडीएच मंत्री। अब आपसे जानना चाहेंगे भंवर, क्योंकि अभी ये सुभाष पुस्तकालय जिस लाइब्रेरी जो है उसके लिए अभी उसका निरीक्षण हो रहा है, उसके बाद कहाँ जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि 5 दिवसीय कार्यक्रम है तो आज बहुत सारी जगह है, कल भी बहुत जगह वो निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल, देखिए दौरे के जो पहले 2 दिन है वो इसी तरह से विकास कार्यों के निरीक्षण के नाम रहने वाले हैं। आज पहले दिन वो करीब 2 से 3 घंटे तक घूमने वाले हैं सुभाष लाइब्रेरी के बाद। जो पूरा का पूरा मंत्री का लवाजमा है, यूआईटी अभियंताओं की पूरी टीम भी उनके साथ मौजूद है, वो राजकीय महाविद्यालय कोटा पहुंचे हैं और इसके बाद अंटागर सर्किल में अंडरपास करीब करीब बन करके तैयार हो चुका है, उसकी फिनिशिंग का काम है।
उसको वो देखेंगे। इसके बाद एरोड्रम सर्किल होते हुए चालावाल रोड पर जितने विकास के प्रोजेक्ट है, इसके अलावा गुमानपुर इलाके में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सबका वो जायजा लेने वाले हैं। और दो दिनों के इन दौरों के बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। कुछ बैठकों में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटली भी शामिल होने वाले हैं। और जैसा बताया आपने कि खुद मुख्यमंत्री उनके काम की तारीफ कर चुके हैं, क्योंकि देखिए विकास पुरुष की पदवी उनको कोटा में दी हुई है। 3000 करोड़ के विकास के काम कोटा में इस वक्त यूडीएच मंत्री धारीवाल के निर्देशन में चल रहे हैं। और धारीवाल का दावा यहां तक है मेगा में, खासतौर पर आपको रेखांकित करके बताना चाहूंगा कि आप इस वक्त कोटा को आकर देख लीजिए, 1-1.5 साल 2 साल के बाद आएंगे तो आप इस शहर को पहचान नहीं पाएंगे। हम इतना खूबसूरत कोटा को बना देंगे, इतना आधुनिक और एक तब्दील शहर में कोटा को हम परिवर्तित करके रख देंगे। तो कोटा के लिहाज से ये उनका दौरा और उनके विकास के जो प्रोजेक्ट उनके निर्देशन में चलाए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ में जो एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान राजस्थान सरकार का है, प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान, माना जाता है कि उसके भी मोटा मोटी उस डिजाइन को करने वाले मुख्यमंत्री के निर्देशन में धारीवाल ही है। तो अपने दौरे के दौरान वो इस अभियान की भी मॉनिटरिंग करेंगे। स्टेट लेवल के भी कुछ बड़े प्रस्ताव संशोधन आदेश कोटा से वो जारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोटा में कितने पट्टे बने हैं, पट्टों के बनने में किस तरह की दिक्कतें आ रही है, कितनी कॉलोनी का सर्वे हो गया है, इन सब का भी वो रिव्यू करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उनका ये पूरा दौरा रहने वाला है और इसकी शुरुआत फिलहाल इस निरीक्षण के साथ आप इस वक्त होते हुए देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जहां पर उनको लग रहा है कि काम सही नहीं हुआ है, इतनी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर उनको नहीं लग रहा है कि ये काम सही नहीं हुआ है तो वो फटकार भी वहीं की वहीं तुरंत लगा रहे हैं। चाहे वो पुस्तकालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हों, चाहे ये अभी की तस्वीरें, लाइव जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो नक्शे पर देख रहे हैं, फाइलों पर देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ होना चाहिए। लेकिन भंवर, ये शायद पहला ऐसा नहीं है मौका जब शांति धारीवाल जो है इस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं। वो लगातार जब भी कोटा आते हैं इसी तरह से निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों को कई बार फटकार भी इसी वजह से लगी है। देखिए मेगा, मेरी जानकारी में राजस्थान सरकार के शायद ऐसे अकेले मंत्री होंगे जिनका जब भी 5-15-20 दिन के बाद विजिट बनता है उनके गृह नगर में, तो वो सवेरे 9 बजे निकल जाते हैं और अगले 4-5 घंटे तक करीब करीब हर विजिट का उनका जो पहला दिन है वो खुद मौके पर जाकर प्रोजेक्ट देखते हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये हम कोटा के MBS अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं। MBS और जेकेलॉन अस्पताल का एक नया ब्लॉक पूरा का पूरा वहां पर बन रहा है, नया OPD ब्लॉक वहां पर तैयार हो रहा है, चिकित्सा सेवाओं का वहां पर विस्तार हो रहा है। इस पूरे काम को वो वाले उन्होंने MBS अस्पताल के जो अधीक्षक है डॉक्टर नवीन सक्सेना और साथ में तस्वीरों में आपको आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया नजर आ रहे हैं, उनसे पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी डिजाइनिंग का, साथ में काम की गति का, काम के गुणवत्ता कितनी उस काम में, उन सब का उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया है। और यहाँ भी उन्होंने यही कहा है, खासतौर पर जो जिस बात को लेकर आज वो ज्यादा जोर दे रहे हैं मेगा, वो ये है कि काम को प्रोजेक्ट को पूरा करने की जो तय अवधि है, जो कार्यपूर्ति का लक्ष्य है, उस लक्ष्य से ठेकेदार को भटकना नहीं है, काम को उस गति से ही करना है। क्योंकि आप देखिए जब इस तरह से इतना लंबा चौड़ा छितरा करके फैला करके जब शहर में काम किया जाता है तो बहुत अव्यवस्थाएं हो जाती है, जहां अंडरपास बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड्स बन रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो धारीवाल की कोशिश ये रहती है कि जनता को कम से कम परेशानी हो और काम अपने तय लक्ष्य के मुताबिक, तय समय के मुताबिक पूरे कराए जाएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोटा में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान भड़के UDH मंत्री। स्टेशन में निर्माणाधीन सुभाष लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के निरीक्षण का था मौका, ठेकेदार को बुलाकर UDH मंत्री ने पूछा धीमी कार्य गति का कारण। ठेकेदार के तर्कों को खारिज करते हुए धारीवाल ने बुलाया UIT सचिव को, ठेकेदार पर तुरंत जुर्माना ठोकने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये बीच के क्या नाम आपकी जाली बनी है, इधर सामने का ये बाउंड्री सही करनी है, सब दिया हुआ है। दुर्बान ठोको जी, इन पे दुर्बान ठोको, मांगे सेक्रेटरी दुर्बान ठोको, इनको 10 लाख रुपए का जो काम 10 लाख रुपए का ठोको आज रोटी टिको, तमाशा है क्या? बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहे हो।